नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन टीवी न्यूज में। मैं हूं सिमरन शुक्ला। आइए रुख करेंगे आज की प्रमुख खबरों की ओर। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महामंत्री वीरेंद्र नाथ चौबे ने किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो भी कार्यक्रम पूर्व की भांति तय हुआ है, उसमें बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन इंटक और उनका इंटक परिवार सभी मजदूर के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहेगा, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कहा कि मजदूरों की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ाई जारी रहा है और आगे भी रहेगा। मजदूरों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को प्रतिबद्ध है। बोकारो सेक्टर 4 स्थित हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मारुति नेक्सा शोरूम को बोकारो स्टील संपदा न्यायालय में अतिक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसको लेकर आज बोकारो स्टील की सुरक्षा विभाग की टीम जब नेक्सा शोरूम को खाली कराने पहुंची, तो वहां काम करने वाले कर्मियों ने इसका जमकर विरोध किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। बोकारो संपदा न्यायालय ने 24 जून को नेक्सा शोरूम के मालिक को 28 जून तक शोरूम खाली कराने का नोटिस थमाया था। जब शोरूम को खाली नहीं किया गया, तब बोकारो स्टील सुरक्षा विभाग की टीम नेक्सा शोरूम को खाली कराने पहुंची। वहीं हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मालिक मनीष बंसल ने मामला उच्च न्यायालय में होने की बात कह बोकारो स्टील प्रबंधन से मोहलत देने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बोकारो स्टील से हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी में मारुति की गाड़ियों को रखने के लिए उक्त जगह को अलॉट कराया था, लेकिन इस दौरान हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के द्वारा उक्त जमीन पर नेक्सा का शोरूम खोल दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब यह शोरूम बन रहा था, तब बोकारो स्टील के अधिकारियों ने रोकने का काम क्यों नहीं किया। आज जब संक्रमण का दौर है, रोजी रोटी पर आफत है, तो ऐसे में बोकारो स्टील प्रबंधन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इस शोरूम के यहाँ से हटाने से 500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं शोरूम के मालिक मनीष बंसल ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में है, इस जमीन को कोई उठा कर नहीं ले जाने वाला है। प्रबंधन मोहलत दे, जो भी निर्णय आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। मनीष बंसल ने कहा कि जब यह शोरूम बन रहा था, तो रातों रात नहीं बना। ऐसे में सिर्फ हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी का वो नेक्सा शोरूम है बोकारो स्टील को अतिक्रमण लग रहा है। ऐसे शहर में कई अतिक्रमणकारी बैठे हुए हैं। ये सब प्रबंधक से मेरा यही कहना है कि जो नोटिस आप हम लोग को 28 तारीख का तोड़ने का दिए हैं नेक्सा को, उसको थोड़ा सा और अवधि दिया जाए, उसको समय दिया जाए। क्योंकि देखिए, जब नेक्सा बन रहा था तो एक दिन में तो बना नहीं होगा, 6 महीना का कंस्ट्रक्शन था। अगर ये इनलीगल प्रॉपर्टी था तो वो 6 महीना तक बीएसएल प्रबंधक क्या कर रहे थे? उसको तोड़ना था तो उसी समय तोड़ना था। आज जब इससे 500 लोगों का रोजगार चल रहा है, तो आप हमारा रोजगार छीनने आए। एक तो ऐसे ही वैसी महामारी कोरोना में हम लोग का जीवन आधा हो गया, बचा कुचा ये कसर उतारने आए हैं। आप या तो हमको रोजगार दे दीजिए, उसके बाद आपको जो करना करना, नहीं तो हमको समय दिया जाए। बस मेरा यही इनसे कहना है, मेरा यही रिक्वेस्ट है। अरे भाई, गाड़ी खरीदे हैं, शोरूम बना है, बकायदा इतना बड़ा शोरूम रातों रात तो बनता नहीं है। उनका चिट्ठी है कि मामला अंडर कंसिडरेशन में, तो कोई चोरी लूटपाट तो हुआ नहीं है। इतना इतना आदमी का रोजगार है, क्या एक आप तो आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना बड़ा शोरूम बन के तैयार हो जाएगा? तो आपका क्या कहना है कि अगर विरोध करना था उसी समय करना था? अरे उसी समय करना था, और अभी भी मामला हाईकोर्ट में, मामला हाईकोर्ट में है भाई। आज का डेट है हमारा, तो उसका तो इंतजार करे कोई। हम लेके भाग जाएंगे सेल का जमीन, अरे नहीं होगा तो 4 महीना 6 महीना 1 साल का टाइम देगा हम अपना। कैसे तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेशन टीवी न्यूज के साथ।